जैसे कि आपको पता है कि ये पार्ट टू है बीटीएस के इंटरव्यू का, तो आज हम कुछ नए सवाल पूछेंगे, पुराने वाले सवाल नहीं पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज प्लीज मेरी बेइज्जती मत करना, प्लीज। हम फिर से आ गए। तो सबसे पहला सवाल कि आपका सॉन्ग फेवरेट कौन सा है, इंडियन सॉन्ग, चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज पर इंडियन हो, तो कोई आपका ऐसा जो फेवरेट सॉन्ग है, ओनली वन सॉन्ग, कौन सा है वो? मेरे तो बहुत सारे हैं। जिन भाई से शुरू करते हैं। चलो, तो जैसे कि आपको पता था, कल मैंने बात की थी कि मुझे अपनी दुल्हनिया ढूंढनी है, उस टैलेंट शो में मेरा तो एक ही गाना सिलेक्ट किया हुआ है उसके लिए, गुरु रंधावा का नहीं है वो, बन जा तू मेरी रानी तेन महल दवा दूंगा। और जिस दिन मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए महल खरीदने के लिए, मैं तो यही गाना लगवाऊंगा और अपनी दुल्हनिया के लिए महल खरीद लूंगा बस। और हेलो गाइस, चाय पी लो, मेरा नाम आरम है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, क्योंकि मैं गोविंदा जी का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है वो जो है ना, मैं गरीब हूँ, तो जब वो लड़का बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी गरीबी इसी के पास है भाई, यही तो सबसे ज्यादा गरीब है, मैं गरीब हूँ। और मेरा भी एक फेवरेट डायलॉग है वो जो आंटी नहीं बोलती होती, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, मेरे को ना उससे मिलना है और उससे पूछना है कि ये चाय क्यों पिलाती हो, तुम्हें तुम्हारे घर पे नहीं है कोई चाय पिलाने को जो हमें चाय पिलाती रहती हो। और मैं उसके हस्बैंड से उसकी शिकायत करने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके घर में कोई चाय पिलाने वाला उनको ढूंढ के दूंगा। काफी ज्यादा फैली हुई है आपकी सोच, काफी ज्यादा। और हमने सुना है कि आपको काफी भारतीय भाषाएं आती हैं, क्या आप प्लीज हमें बोलकर सुनाएंगे? प्लीज। मैनू तो भाई पंजाबी बोलनी आती है, ते मैं यही वेट कर रही थी कि कद तुसी पंजाबी बोलन नु कहो, क्योंकि ये सारे हिंदी विच चटर पटर लगे हुए सी, ते मेरा हिंदी दे विच हाथ थोड़ा जा तंग है, इस करके मैं उदों एक शब्द भी नहीं बोल सकिया, ते हुण तुसी पंजाबी दी गल कर ही लई आ, तो मैं दस देवां कि मैनू पंजाबी बहुत वधिया तरीके नाल आउंदी आ, ते मैनू पंजाबी आउंदी आ बस। मैं भी काफी हद तक पंजाबी सीखी हुई है, हालांकि मैं उड़दा उल्लू जरूर सीखा है, मेरा लिखण विच हाथ थोड़ा जिहा तंग है पंजाबी, पर मैनू बोलनी आउंदी है, जंकक वांग ही बोलनी। पंजाबी तां भई मैनू भी आउंदी है, मैनू हिंदी ते पंजाबी दोवें आउंदियां ने चंगी तरह, पर इन्हां नूं पता नहीं क्यों लग रिहा कि इन्हां नूं पंजाबी साडे नालों ज्यादा आउंदी, पर मैं इन्हां नूं दस देवां कि मैनू पंजाबी ते हिंदी दोन्हें बहुत चंगी तरह आउंदियां हन, ते इस विच मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकदा, ते मेरे तों बचो, जिन्ना बच सकदा है बचो। तो आपका फेवरेट इंडियन फूड कौन सा है? मुझे तो सारे पसंद है, मुझे भी, मेरे तो वैसे सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं, पर मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं छोले भटूरे। और शुभा भाई आपको क्या पसंद है? मैं मीठे में बताऊंगा, मुझे ना रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मेरे फेवरेट है वो दोनों। और मुझे टिक्की बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा। और जब हमारा इंडिया में कॉन्सर्ट होगा तो यार प्लीज कोई मेरे लिए टिक्की लेके आना यार, मेरा बड़ा ही मन है टिक्की खाने का, और दो चार पैक भी करवा लाना ताकि मैं साथ ले जा सकूं, प्लीज गाइस प्लीज। और हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप टिक्कियों शिक्कियों को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना आप हमारी इंडियन आर्मीज को देते हैं, इंडियन फैन बेस को देते हैं। और मुझे कहना है कि जब आप जिन भाई और जिमी ने शुगा भाई के लिए उनके मनपसंद खाना लेकर आई, तो मेरे लिए भी रसगुल्ले और छोले भटूरे और एक टिक्की बैग करवा के ले आना, मेरा भी बड़ा मन है इंडियन फूड खाने का।
आपको हम सब कुछ देंगे पर सिर्फ एक शर्त पर कि अगर आप इंडिया आए, और ये सब हम आपको तभी दे पाएंगे अगर आप मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी कैमरा तोड़ के आ जाऊं, तो फिर आपको मेरे ऊपर एक फिल्म भी बनानी पड़ेगी, टूटा कैमरा निकला सुख से। तो अगर आप ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो तो हम इंडिया आ जाएंगे भाई। और अंकल आप पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दो मेरी मूवी के लिए। टिक्की, गुलाब जामुन, छोले भटूरे और रसगुल्ले के पैसे भी आपको उसी में ऐड करने पड़ेंगे, तो ही हम आएंगे इंडिया। डन, आपको सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ, जो भी आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको इंडिया आना होगा प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप इंडिया जरूर आए। और अंकल मेरा भी सामान लिख लो, दो जोड़ी कुत्ते के मुंह वाले जूते, एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम, एक बैटमैन का कॉस्ट्यूम, दो जोड़ी रंग बिरंगे नाइट सूट और चार डब्बी हाजमोला जरूर दे देना प्लीज। अगर ये सब मिल जाएगा तो मैं इंडिया में ले रहने के लिए तैयार हूँ। अंकल जी मेरे लिए ना गाजर रखवा लो तुसी, ते मैं मेरे जो भी छोले भटूरे या टिक्की तुसी मंगवाओगे उस वेले खाने लिए शूटिंग के टाइम ते फिर मैनू गाजर जरूर दे ना, मैनू गाजर खाने की आदत है, मैं कल गाजर ना भी गुजारा कर सकता हाँ, पर जब टिक्की ते छोले भटूरे आने रसगुल्ले आने हैं तो फिर वो गाजर ना ही खा लूंगा मैं भी। तो जेकर तुसी गाजर दे नाल घर की कढ़ी भी ले आओ तो होर भी मजा आऊगा मेरे ख्याल में। एक्चुअली में मुझे भी कुछ कहना है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा बोर कर रहे हो आप भी अंकल और ये सब लोग भी मिलकर बहुत ज्यादा बोर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी इंटरव्यू बंद कर देनी चाहिए। वैसे नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन मुझे तो गुलाब जामुन और रसगुल्लों ने रोक के रखा था बस। तो चलो मेरे रसगुल्लों और गुलाब जामुनों, चलते हैं हम लोग। बाय आमीज, बाय 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 बाय।